हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो दैट वाज पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 5 वी स्टडी सम टॉपिक. लेट स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर दैट इज पार्ट 4. पार्ट 4 है आपका ये रेशनल नंबर का. आज मेरा जो टॉपिक्स है वो है स्टैंडर्ड और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. कहने का मतलब कि कोई भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले हमको उस रेशनल नंबर को देखना पड़ता है कि रेशनल नंबर कैसा है. नेगेटिव रेशनल नंबर है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है. तो वहाँ पे हम देखते हैं, अगर डेनोमिनेटर मेरा नेगेटिव रहता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं. क्योंकि आप डेनोमिनेटर को हरदम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेना होता है. डेनोमिनेटर को हरदम आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ता है. चलिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं. स्टैंडर्ड और इसी को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. कहता है कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डेनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. कहता है कि सबसे पहले डेनोमिनेटर को हमको क्या बनाना पड़ता है, पॉजिटिव बनाना पड़ता है, और इसके साथ साथ नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. कहता है कि नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए. अगर वन के अलावा कोई फैक्टर होता है, वन के अलावा कोई भी अदर फैक्टर होता है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है. इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए आपको कॉमन फैक्टर वन ही होना चाहिए, वन के अलावा नहीं होना चाहिए. चलिए देखते हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डेनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन देखते हैं. रिड्यूस -12 by -16 टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. अब यहाँ आप देखिए कि आपका यहाँ बोला था रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट डेनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ डेनोमिनेटर का पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देंगे कि हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस 12 बाई माइनस 16, दोनों को हम लोग क्या माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 12, ये भी हो जाएगा प्लस 16। इसका कहने का मतलब 12 बाई 16 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। अब रिड्यूस करना है हमको, तो एक तो सिंपल मेथड है, इसको क्रॉस करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाई प्रोसेस बनाना है तो सबसे पहले हम इस दोनों का एस सी एफ निकालते हैं। तो लिखेंगे एस सी एफ ऑफ 12 एंड 16 इज क्या हो जाएगा, तो हम लोग डिवीजन मेथड से ही बना सकते हैं। यहां पर देखिए बना के दिखा देते हैं, 4 जो लास्ट का बचता है वही आपका एस सी एफ होता है, तो ये क्या हो गया 4, 12 एंड 16 का एस सी एफ क्या हो गया 4 हो गया। अब ये 4 को क्या करते हैं, हम लोग डेनोमिनेटर और नोमिनेटर से डिवाइड दे देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 बाई 16 डिवाइड क्या हो जाएगा 4, डिवाइड यहाँ भी 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 3 बाई 4। अब आप यहाँ देखिए कि ये लोएस्ट फॉर्म हो गया, अब ये किसी टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा। यहाँ देखिए ये अब दोनों जो डिविजिबल होगा तो 1 ही से होगा, नहीं तो और किसी से नहीं होगा, और इसका एस सी एफ भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डेनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होता है, साथ ही साथ हमको रिड्यूस करना होता है, और उस रिड्यूस जब हम लोग का हो जाता है तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 के अलावा और कोई नहीं आता है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक। थैंक यू।